बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसका आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मेरे साथ बागमारे साहब हैं, वो रविदास समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु हैं और अखिल भारतीय रविदास समाज जो है उसके नेता भी हैं, और लगातार दिल्ली के तुगलकाबाद में जो गुरुघर तोड़ा गया था उसको लेकर आंदोलन चलाया, लेकिन अब खेल समझ में आने लगा है। जिस कोर्ट से ये आदेश आया था कि इसको डिमोलिश किया जाए, उसी कोर्ट से अब आदेश आ रहा है कि सिर्फ 200 मीटर जगह आप ले लीजिए। सच्चाई ये है, मेरे साथ एक बताया, उन्होंने शेयर किया है कि वो ज़मीन टोटल 12,500 वर्ग मीटर था और उसको 200 मीटर देने की बात कही जा रही है। तो समझिए कि करोड़ों की ज़मीन है और उस पर किन की नज़र है। सर 200 मीटर ले लीजिए, पहले जो ज़मीन है जो गुरु घर था वो 12,500 मीटर था। खेल समझ में आने लगा है? हाँ जी, पहले 12,500 वर्ग मीटर ज़मीन है, अब आपको कहा जा रहा है कि 200 मीटर ज़मीन ले लीजिए। हाँ जी, कहीं बोला ज़मीन जा रहा। पर तो नज़र नहीं है लोगों की? हो सकता है ज़मीन पे नज़र है, तो हम लोग जो हमारे संत और महापुरुष सब उसमें लगे हैं, पूरे देश दुनिया के संतों का भी बहुत बड़ा इस आंदोलन में सहयोग है और गुरु रविदास के जितने भी अनुयायी संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आंदोलन वाले उस चीज़ को ठुकरा देते हैं, नहीं मानते हैं। भगवान साहब, आप 200 वर्ग मीटर पर मान जाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं मानेंगे। कितने आपको पूरा का पूरा चाहिए? हमारी कम चाहिए? जितनी ज़मीन जिस नाम से, गुरु जी के नाम से जितनी ज़मीन है, उतनी ज़मीन हम लिए बिना ये आंदोलन। कितनी ज़मीनें हैं? 12,000 जो मीटर है, 500-200, तो उतनी ज़मीन हमारी है। तो पूरी क्या लग रहा है सर, ये पूरा मामला ज़मीन कब्जाने की कोशिश तो नहीं है? हो सकता है, पहला तो यही हुआ है, ज़मीन के कारण तो हमारे साथ ये धोखा हुआ है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा सरकार ने कि भाई ये इनकी भी कोई आस्था है, ये भी लोग हैं, इनके भी गुरु है, इनका भी कोई धार्मिक चीज़ चलती है, तो उसको मदद करनी चाहिए। सरकार का जो पूरे देश दुनिया में सभी धर्मों को मदद करते, तो हमारे धर्म को भी उन्होंने मदद करनी चाहिए। लेकिन नज़र पहला तो उन्होंने बच्चों के बारे में जो आश्वासन दिया था वो हमारे को पूरा। क्या आपकी सरकार से बातचीत? वो तो जमानत बेल मिली है, कोर्ट से बेल मिली है, क्या उसमें सरकार का इंटरफेयर था? सरकार चाहती तो जमानत नहीं होता? उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था। किसने आश्वासन दिया था गुरुजी? सरकार के तरफ से आश्वासन आया था हमको। सरकार में किन किन लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी? हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी है, उनके साथ कंटिन्यू इस आंदोलन के बारे में, बच्चों के बारे में, ज़मीन के बारे में डिस्कशन होता है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बच्चों के लिए जब बेल के लिए खड़े होंगे तब हमारे वकील, सरकारी वकील खड़े नहीं होंगे और आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये काम तो हमें नज़र आया, उन्होंने वो किया। लेकिन अभी जैसे वो देने के बाद उन्होंने जैसा घोषित किया कि हम 200 मीटर ही ज़मीन देंगे, तो उसके बाद हमने उनके ऊपर हमारी नाराज़गी दिखाई कि आपने जैसा बोला वैसा नहीं किया, तो वापस उनके तरफ से आश्वासन आया है कि हम आप बैठेंगे जैसे आप लोग चाहते हैं, हम भी उसमें मार्ग निकालेंगे, ऐसा संदेश उनका। अगर ज़मीन छोड़ना पड़े कुछ तो भी आप लोग समझौते के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पूरी ज़मीन लेंगे और भव्य रूप से सदगुरु रविदास जी का प्रार्थना स्थल। ये जो बातचीत आप लोग की हो रही है, क्या ये जो अभी जो नया आया है 200 वर्ग मीटर में, इसमें कुछ बीजेपी के नेता और भी लोग शामिल हैं? हाँ है, दिख रहा तो है सामने, जैसा लिखा गया है ना, जैसा अपील में किया गया है उसमें हमारे जैसे 5-7 लोगों ने अपील किया था, तो उसमें से 2 लोगों ने अपने जैसे जो हमारी मांग है उस हिसाब से रहे, लेकिन 5 लोगों ने उसमें सरकार के मांग को कबूल और मान्यता दिए है, तो हम उसको ठुकराते हैं, हम नहीं मानते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ। तो आज फिर से दिल्ली के, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आपका क्या रहेगा आगे? आंदोलन हमारा आगे और भी तेज हो सकता है हमारे हक अधिकार के लिए। किस तरीके का तेज बोलना चाहते हैं आप? हमारा जो भी समय तय करेगा, जैसा हमारे सामने परिस्थिति निर्माण हो रही है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से इस आंदोलन को हम चलाएंगे। अगर सरकार बात हमारी मान लेती है, हमारी जो चीज़ हमें मिलती है, तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये सरकार हमारी नहीं बात मान रही है, तो आगे की जो आंदोलन की कार्रवाई होगी,
तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी तो फिर सरकार के ऊपर उसकी जवाबदारी आएगी। जैसे आपने बताया कि आज आपका आखिरी आंदोलन हो सकता है, तो इस आखिरी आंदोलन को कैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे या इसको आप किस दिशा में लेके जाएंगे वो बताएं। हमने आंदोलन के लिए दो डेट फिक्स किए हैं। एक तो मंदिर जब डिमोलिशन किया गया तो उसका जिस दिन किया गया हर महीने में वहाँ हम प्रार्थना पूजा आरती करते हैं, और उसके बाद में जो हमारे साथ बच्चों को पकड़ा था या हमें संघर्ष करना पड़ा था 21 तारीख को, तो 21 तारीख ये आंदोलन की फिक्स है। अगर सोच लो हमारे हिसाब से सब कुछ बात होते तो आगे हमें पूजा का कार्यक्रम चालू रहेगा, आंदोलन फिर जिस दिन जरूरत है उस दिन हम खड़े करेंगे। आपने बच्चों की बात करी, जो बच्चों की बेल थानों से हो जाती थी उनके बावजूद वो जेल तक गए हैं, उसके बाद भी एक एक डेढ़ महीना रहकर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो सरकार ने बीच में जो बेल जो तारीख डाली थी तो पहले इसमें फर्स्ट में एकदम एक महीने का गैप था, इसलिए ज़्यादा अंतर नज़र आया बच्चों को छोड़ने में। आज आपको पूरा देश दुनिया देखती है, उनके लिए क्या आदेश है, आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर भी नज़र जरूर। मैं सदगुरु रविदास जी के अनुयायी को और बहुजन समाज के महापुरुषों को, उनके विचारधारा को चलाने वाले सभी संगठनों को ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे लिए बहुत दुखद घटना है और समय के हिसाब से हमें जागरूक होना चाहिए, और जब जब समय आता है तो हमें संघर्ष करना चाहिए। ये संदेश मेरा पूरे देश दुनिया के रविदास लोगों के अनुयायी को है कि जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आह्वान किया जाए तो हमें सबको इकट्ठा होकर आवाज़ उठाना चाहिए। किस तरीके के संघर्ष की बात कर रहे हैं आप? संघर्ष हकाधिकार से होती है, जो आंदोलन के रूप होते हैं उस हिसाब से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं ऐसे ही संघर्ष हमारे होते। बैठे रहने से आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है, ना तो बच्चों को छोड़ा गया है, ना मंदिर की कोई नहीं, बच्चे छोड़ दिए गए जी। बच्चे छोड़ दिए गए हैं, 96 बच्चों की, पूरी बच्चों की बेल हो चुकी है, प्रक्रिया से छोड़े गए हैं। हाँ, अभी का आगे का जो है उनके ऊपर जो ये है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और निर्दोष बच्चों को बाहर निकाल छोड़ने के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून के हिसाब से गुनाह नहीं होगा, हम निर्दोष छोड़ने के लिए भी लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।